हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए गणेश चतुर्थी स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। वो है पान वाले मोदक। तो ये गणेश जी को बहुत ही प्रिय है, तो आप भी इस गणेश चतुर्थी पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और गणेश जी को बना के खुश कर देना एकदम से। और रेसिपी को पूरा देखना, ये बहुत ही आसान है इसे बनाना और घर के कुछ ही सामानों से बन के तैयार हो जाता है। 10 से 15 मिनट लगती है हमें इन्हें बनाने में। तो प्लीज़ दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को भी लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों आपके ऐसे करने से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है नई नई रेसिपी लाने के लिए। और नई नई रेसिपी लाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके लिए दोस्तों आप सपोर्ट ज़रूर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये ज़बरदस्त रेसिपी। आज से पहले किसी ने ही नहीं बताई होगी ये मोदक की पान वाली रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये सामग्री ली है। मैंने 5-6 पत्ते ये लिए, मीठे पान के पत्ते, और ये एक मैंने रख लिया है आपको दिखाने के लिए। मैंने 4 पहले ही काट के मिक्सी जार में डाल दिए हैं। देखिए इस तरीके से काट लेंगे, इसे कैंची से काट लीजिए या चाकू से या हाथ से भी ऐसे तोड़ के डाल सकते हैं मिक्सी जार में। तो यहाँ पे देखिए, 2 चम्मच मैंने गुलकन के लिए इलायची पाउडर लिए, 2 चम्मच चीनी लिए, 2-3 चम्मच कोकोनट पाउडर लिया है, और 2 चम्मच लिए मैंने छोटी वाली सौंफ की। इन सौंफ को अच्छे से साफ करके लेंगे और ये सभी चीज़ें इसमें डाल देंगे। तो ये हमारा पान वाला पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मिक्सी जार में डाल दिया मैंने। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम, आधा कप से थोड़ा सा कम पानी डाल के इसको पेस्ट बना लेंगे एकदम बारीक। ये देखिए इस तरीके का पेस्ट बना लेंगे, बिल्कुल बारीक पेस्ट, बिल्कुल भी इसमें पत्ते नहीं रहने चाहिए। और इधर मैंने 100 ग्राम लिया मिल्क पाउडर, इसमें ठंडा दूध डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। देखिए इस तरीके से, तो ये देखिए इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। और इधर मैंने 1 गिलास दूध का पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, 5-6 उबाल आ चुके हैं इसके अंदर। और जो हमने मिल्क पाउडर ठंडे दूध में मिक्स करके रखा था वो इसमें डाल देंगे और इसे 3-4 मिनट पका लेंगे, हल्का सा गाढ़ा हो जाए तब तक इसे पका लेंगे। फिर हल्का सा गाढ़ा होने के बाद इसमें 100 ग्राम मैंने ये पनीर लिया है, इसको अच्छे से हाथों से मैश कर लिया है इस तरीके से, और इसे भी डाल देंगे इस दूध में। 100 ग्राम ही लिया मैंने मिल्क पाउडर, 100 ग्राम लिया है मैंने पनीर, और इसे 3-4 मिनट पका लेंगे अच्छे से। इसे चारों तरफ से दबाते हुए पका लेंगे और गैस की लो फ्लेम ही रखेंगे, नहीं तो ये चिपक जाएगी नीचे। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम चीनी डाल दी है। चीनी अपने हिसाब से थोड़ी कम ज़्यादा भी डाल सकते हो। मैंने 200 ग्राम चीनी डाली है यहाँ पे, और 2-3 मिनट और पका लूँगी इसे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए इन सभी के अंदर। फिर इधर मैंने ये कोकोनट पाउडर लिया है, लगभग वजन में 200 ग्राम होगा। ये घर में ही जो नारियल होता है, मैंने पहले कद्दूकस किया फिर मिक्सी जार में पीस लिया, इसका पाउडर सा बना लिया है। आप चाहे तो बाज़ार में जो कोकोनट पाउडर मिलता है वो भी यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन मेरे घर में ही कोकोनट था तो मैंने उसी को कद्दूकस करके मिक्सी जार में पीस लिया है और इसका पाउडर बना लिया है। लगभग वजन में 200 ग्राम होगा और इसे 2 मिनट और पका लेंगे। 2 मिनट पकने के बाद इसमें जो हमने पान वाला पेस्ट बनाया था वो 3-4 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे और इसे 2-3 मिनट और पका लेंगे ताकि ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। तो ये अभी हमारा डो तैयार नहीं है, तो 2-3 मिनट और पकाएंगे तो एकदम गाढ़ा डो की फॉर्म में आ जाएगा हमारा डो, तब ये बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे 1 से 2 चम्मच घी की डाल दीजिए, ये ऑप्शनल है, डालना चाहते हो तो डाल दीजिए। और डालने से क्या होगा कि हमारा ये डो चिपकेगा नहीं चारों तरफ और बढ़िया है चिकना सा डो बनके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए कढ़ाई ने इसे छोड़ दिया है और ये डो एकदम इकट्ठा सा होने लगा है, तो ये बनके तैयार है। अभी से मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है ठंडा करके, और 15-20 मिनट इसे फ्रिज में रख देंगे हम। और इधर हम फिलिंग बनाते हैं अंदर भरने के लिए। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैंने गुलकंद के लिए है, 2 चम्मच कोकोनट पाउडर लिया है, और 1 चम्मच लिया है मैंने पाउडर शुगर यानी चीनी का पाउडर, और 1 चम्मच लिए मैंने सौंफ की,
और 2 चम्मच ले रही हूँ ये टूटी फूटी। अगर आपके पास यह ना हो तो यहाँ पे कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए बारीक करके, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये हमारी फिलिंग बनके तैयार है। और इधर ये डो भी हमारा तैयार है, इसको थोड़ा सा मसल के मैंने चिकना कर लिया है। और ये लिया है मैंने मोदक मोल्ड, तो ये पीछे की तरफ से भरेंगे हम, अच्छे से शेप आएगी इसके अंदर, तो ऐसे उंगली से दबा दबा के भरेंगे। इस तरीके से बनाने से बहुत ही अच्छी शेप आएगी मोदक की। तो ये देखिए बीच में मैंने उंगली से होल कर दिया है, और ये जो हमने फिलिंग बनाई थी आधी चम्मच इसके अंदर डाल देंगे और उंगली से दबा देंगे। फिर हमारा जो ये डो था ये और इसमें अच्छे से लगा के पैक कर देंगे, और बढ़िया सी शेप आ जाएगी इस तरीके से। देखिए इस तरीके से इतना भरना है हमें इसके अंदर, और इसे खोल लेंगे। तो ये देखिए वाओ कितना शानदार हमारा मोदक बनके तैयार हुआ है। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, देख सकते हो कितने शानदार बने हैं हमारे मोदक। इसी तरीके से मैं दूसरा और बता रही हूँ आपको, पहले हमने जो इसका डो बनाया था वो डालेंगे, फिर फिलिंग भर लेंगे, फिर ऊपर से और डालेंगे ये डो, और ऐसे उंगली से दबा दबा के भर देंगे और फिर इसको खोल के निकाल लेंगे। तो ये लीजिए सारे मोदक इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास ये मोदक मोल्ड नहीं हो तो इस तरीके से हाथ से बना लीजिए। पहले लोई के जैसे लीजिए, बीच में खड्डा कीजिए और ये फिलिंग भर दीजिए, और दबा के ऊपर की तरफ उठाइए, थोड़ा सा डो और लीजिए और इसे मोदक की शेप दे दीजिए। ये हमारा जो फोक की सहायता से इस पर लाइन बना देंगे चारों तरफ, तो ये हाथ से भी हमारे मोदक बन के तैयार हो जाएंगे इस तरीके से। तो सारे मोदक मैंने तैयार कर लिए हैं, अब करेंगे इनको गार्निशिंग। गार्निशिंग के लिए मैं चांदी का वर्क लिया है, ये लगा दूंगी थोड़ा थोड़ा इन सभी के ऊपर। और अगर आप कोई ड्राई फ्रूट्स लगाना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे लगा सकते हो। और बीच में थोड़ी सी मैंने गुलाब की पत्तियाँ डाल दी है, गुलाब की पत्ती भी रख सकते हो यहाँ पे, ताज़ा जो गुलाब की पत्ती होती है उस सभी के ऊपर एक एक लगा देंगे, अगर आपके पास हो तो लगा दीजिए। तो ये देखिए मैंने सभी पे हल्का हल्का चांदी का वर्क लगा दिया है, तो एकदम बाज़ार से भी अच्छे लग रहे हैं ना हमारे ये मोदक। और ये लीजिए दोस्तों हमारे पान वाले मोदक बनके तैयार है, और ये देखिए बाज़ार से भी अच्छे लग रहे हैं ना। और इस गणेश चतुर्थी पे आप सब लोग इसे ही बनाइए, और ये बहुत ही आसान है, आपने वीडियो में तो देखा ही है बनाना। और ये वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो अपने दोस्त फैमिली के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस गणेश चतुर्थी पे इनको बना सके गणेश जी के लिए, और गणेश जी के साथ साथ आपके घर वाले भी इसके दीवाने हो जाएंगे। तो आप सभी इसे ज़रूर बनाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। टेक केयर, मिलते हैं फिर अगली ऐसी ही एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ।